तुम मुझ पर आक्रमण करो, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। क्या यही है इस वक्त की बड़ी तस्वीर और 10 बजे की बड़ी बहस, इसी सबसे बड़ी तस्वीर के साथ? क्योंकि एक तस्वीर ने, हम ये कह सकते हैं, विपक्ष की उन सांसदों की जो कि न केवल मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे बल्कि निलंबित भी हैं, उनके पूरे इस दावे की पोल खोल दी। 10 बजे की बड़ी बहस हम लेकर के आएंगे कि संसद में दरअसल हुआ क्या था। लोकतंत्र शर्मिंदा हुआ था, शर्मसार हुआ था, आप दुखी हुए थे, किसान दुखी हुए थे, क्योंकि किसानों के विरोध के नाम पर संसद में लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन हुआ था। लेकिन सुबह की तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया वो बेहद शानदार तस्वीर आई। इस तस्वीर ने साबित कर दिया कि कौन गांधी के आदर्शों को मान रहा है और कौन गांधी के साथ बैठ करके प्रदर्शन करके गांधी के आदर्शों पर चलने की सिर्फ बातें कर रहा है, और क्यों भारत को सबसे खूबसूरत लोकतंत्र कहा जाता है। हम चर्चा इसी पर करेंगे, साथ ही साथ किसान बिल पर हो रही राजनीति का भी इसमें हम जिक्र करेंगे। लेकिन तीन बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता दें। बुलेटिन की शुरुआत सबसे खूबसूरत तस्वीर से हम करेंगे, जहां आज उपसभापति ने सस्पेंड सांसदों को चाय पिलाई। सस्पेंड सांसदों को सुबह उपसभापति हरिवंश ने चाय पिलाई। राज्यसभा में उपसभापति के साथ बदसलूकी की गई थी, बदसलूकी करने की वजह से 8 सांसद निलंबित थे। संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं कल रात से, डिप्टी स्पीकर है। लेकिन क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये चाय नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये पद की गरिमा है, और विरोधाभास में ही बड़प्पन है कि जिन पर आक्रमण हो सकता था, जहां टेबल पर सांसद चढ़ गए थे, संजय सिंह तक चढ़ गए थे, कैसे रूल बुक फाड़ दी गई थी, वहां गांधी जी के आदर्शों का प्रतीक अब भी भारतीय लोकतंत्र क्यों है, और इस चाय में आत्मीयता है और गरिमामय राजनीति की परंपरा है। The following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior. अगर मार्शल नहीं बचाते उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। अगर मार्शल नहीं होता तो कल ये लोग हरिवंश जी की हत्या कर सकते थे, उनकी मौत हो सकता था। और उपसभापति तो चाय लेने के लिए पहुंचे थे, और हमारे यहाँ तो परंपरा है ना, घर पर कोई भी आता है, भले आपका उससे प्यार हो, बैर हो, ना कोई भी हो, लेकिन चाय जरूर पूछी जाती है, यही तो भारतीय संस्कार है ना। आपने उपसभापति की बेइज्जती करने की कोशिश की, उन पर आक्रमण करने की कोशिश की, सदन का अपमान किया, लेकिन फिर भी वो चाय लेकर के पहुंचे। लेकिन विपक्ष को चाय से भी भय है, चाय नहीं पी उन्होंने। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस ने राज्यसभा की कार्रवाई को अटेंड करने से इनकार कर दिया है कि जब तक निलंबन वापस नहीं होता तब तक वो नहीं आएगी। यहां पर गुलाम नबी आजाद ने यह कहा, उपसभापति के साथ अभद्र व्यवहार पर 8 सांसद निलंबित किए गए थे। तो सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस ने राज्यसभा के बहिष्कार का ऐलान किया है। नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, भगवान के लिए, खुदा के लिए, वन नेशन वन पार्टी की तरफ मत जाइए। वेरी गुड, वरना अच्छा ये कर रहा है। अच्छा है, और लास्ट में सहमत होना चाहिए। लास्ट में सर मेरा निवेदन है इस गवर्नमेंट से, तीन चीजों किसानों के बारे में, और जब तक ये तीन चीजें नहीं होती हैं कि गवर्नमेंट को एक दूसरा बिल लाना चाहिए जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पर ये अंकुश लगना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदे। दैट्स नंबर वन। राइट। अरे भाई आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए सदन के अंदर। आप बैठ जाइए ना, बिल के अंदर बैठ जाइए मेरे भाई, बिल के अंदर। सदन में बाहर हम ठीक है, क्या हम बोलते हैं उसकी बात नहीं करता। सदन के अंदर बिल लाना चाहिए जिसपे कानून, जिसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं, बाहर कहने पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा, एमएसपी जो भी अनाउंस होना चाहिए
सीटूस स्वामीनाथन फार्मूला पे होना चाहिए। राइट। नंबर तीन स्टेट गवर्नमेंट्स और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो खरीदी करेगी किसी भी एजेंसी के द्वारा वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। राइट। और जो उसके साथ ही हमारे जो कलीग्स हैं जिनको सस्पेंड किया है रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए उनका भी वो वापस लेना चाहिए। तो हम आपको दो तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि एक तरफ देखिए विरोध में सांसद खड़े हैं, ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह के इशारे किए गए थे। ये देखिए हाथ कहां तक आया, डेरिक ओब्रायन थे वहां पर जब रूल बुक फाड़ दी, संजय सिंह खड़े होते टेबल पर चढ़ गए थे, मार्शल तक उठाना पड़ा और खुद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर मार्शल्स नहीं लेकर के जाते तो उपसभापति पर हमला हो सकता था, आक्रमण हो सकता था। वहीं ये देखिए उपसभापति आज चाय लेकर के पहुंचते हैं, ये है बड़प्पन की चाय, ये है संविधान की रक्षा की चाय और ये है लोकतंत्र की जीत की चाय। इस कारण से आज की ये बहस इन सवालों के साथ, सवाल ये कि लगातार विपक्ष सवाल ये उठाता रहा है कि हम तो किसानों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं दरअसल राजनीति चमकाना है इसलिए किसान बहाना है। दूसरा सवाल, एमएसपी तो बढ़ गया अब हंगामा किस चीज के लिए, और तीसरा पहले बिचौलियों को हटाने की बात अब बिचौलियों के साथ नजर आ रहे हैं, और चौथा सबसे बड़ा सवाल ये है जिसको हम ये कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा का पहले करेंगे उल्लंघन फिर उसके बाद गांधी के सामने खड़े होकर के किस तरीके का ये करेंगे आडंबर। रोहित चैल हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, नेता सीपीआई शहजाद पूनावाला हैं, राहुल चक्रवर्ती टीएमसी समर्थक हमारे साथ होंगे, सुंदर बालाकृष्णन हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले शहजाद मैं आपसे जानना चाहता हूं, तुम मुझ पर आक्रमण करो, लगभग आक्रमण करो और मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा और फिर उसके बाद आप चाय भी ना पीजिए, चाय से डर लगता है क्या? ऐसा है सचिन जी, देखिए मेरे हाथ में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा है और कल के दृश्यों को देखकर, परसों के दृश्यों को देखकर जिसे ब्लैक संडे और मैनिक मंडे बुलाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ कि लोकतंत्र की हत्या हो गई हो और उन लोगों के द्वारा जो बापू के नाम पर चलने का दावा तो करते हैं पर देखिए असली बापू के आदर्शों का परिचय आज सुबह मिला कि जिस पर हमला हुआ उसी ने अपने दुश्मनों को चाय पिलाने की चेष्टा की। पर यह अहंकार देखिए कि जो संस्था हमारे मन मुताबिक काम ना करे, ये दादी वाला डीएनए है, उस संस्था को हम खारिज कर दें। सुप्रीम कोर्ट हमारे मन मुताबिक फैसला ना करे, सीजीआई पर इंपीचमेंट मोशन लाएंगे। अगर ईवीएम हमारे मन मुताबिक वोट ना दे तो ईवीएम और ईसी पर हम सवाल उठाएंगे, जनता पर सवाल उठाएंगे और फिर हम रोज रात को संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का ड्रामा करेंगे। तो आज दरअसल गांधी के उसूलों पर कौन चल रहा है और गांधी के उसूलों का हत्यारा कौन है, कौन तीन गोलियां दाग रहा है, कौन आज का मॉडर्न गोडसे बनकर गांधी की प्रतिमा के आसपास लेटने का ड्रामा कर रहा है पर गोडसे की राह पर चल रहा है, आज पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। अब मुझे पता है कि यहां पर भी कुछ लोग जो है चीखेंगे चिल्लाएंगे, मेरा केवल इतना आग्रह है कि आपके कैमरा पर्सन को मार्शल की तरह ना पीटे और टेबल खुर्ची पर खड़े होकर विवेक श्रीवास्तव जी डांस डिस्को डांस करना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसा तो वो भी नहीं करेंगे पर पार्लियामेंट में जो करने वाले हैं उनका बचाव ये लोग करेंगे। सुंदर बालकृष्णन, ये तस्वीरें देख करके मैं इन सांसदों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, गांधी के आदर्शों की बात कर रहे थे कि गांधी तो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं ना, किसी के ऊपर रूल बुक फाड़ देना जो आज तक संसदीय इतिहास में अपर हाउस में नहीं हुआ, लगभग आक्रमण कर दिया फिर उसके बाद ये कहना कि हमारा निलंबन क्यों हुआ। खैर उसके बावजूद भी हरिवंश जी चाय लेकर के जाते हैं, आपको शर्मिंदगी हुई सर कि इनको मान लेना चाहिए था, इन सांसदों को माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो माननीय है उपसभापति के साथ ऐसे करे थे, काश ये माफी मांग लेते, आपको लगा सर आज ऐसा? देखिए ना क्या है, ये जो सांसद को अपमान कांग्रेस या कोई पार्टी आज नहीं पहले भी 2013 में भी आपको पता है उमा भारती ने किया था, आपको पता है। आप प्लीज देखिए कि बीजेपी गांधी के थे कि गोडसे के साथ है, बीजेपी को ही खुद पता है वो किसके साथ है। और दूसरे बात, हम कहीं पर भटकना नहीं चाहते। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ जो एमएसपी को लेके, मैं आपको एग्जाम्पल, आपको पता है एक सीएसीपी रिपोर्ट करके एक बनती है जिसके ऊपर मैंने क्या सवाल पूछा? सुंदर जी आप इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर, मैंने क्या सवाल पूछा? मैं बोला ना, मैंने सवाल क्या पूछा, मैंने सवाल ये पूछा कि वो सांसद जिन्होंने रूल बुक फाड़ी आज तक संसदीय इतिहास में, सर एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दीजिए, मैं कहता हूँ एक एग्जाम्पल कोट कर दीजिए जब ऐसा हुआ हो कि चेयर पर लगभग आक्रमण किया हो, जब ऐसा हुआ हो कि चेयर पर अटैक किया हो, एक एग्जाम्पल दे दीजिए सर, मैं मान लूंगा कि आप ठीक कह रहे हैं। 2013 में
2013 में उमा भारती ने किया था, आप जाके देखिए ना। सर एक एक एग्जांपल नहीं है सर, सब पूरा देखिए सर। स्थगन होना, विरोध करना, चर्चा में शामिल ना होना, बहिष्कार करना, वेल में आ जाना, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन सर चेयर पर आज तक अटैक नहीं हुआ है। नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप देखिए सर, आपको खाली सिर्फ सर मैं चैलेंज करता हूँ आपको, चैलेंज मैं करता हूँ। देखिए आप देखिए हिस्ट्री देखिए सर, मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आज तक सांसद वेल में जरूर पहुंचे, चेयर पर हमले की नौबत आ गई हो सर, कि मार्शल अगर नहीं पकड़ते तो न जाने वो क्या करते उपसभापति के साथ। सर आप देखिए, आप देखिए मुद्दे से भटकाओ मत सर। मैं आप सर मुद्दा है यही, सर मुद्दा है यही। यहाँ पर गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं मैं बहिष्कार करते हैं हम राज्यसभा की कार्रवाई का, कि जब तक निलंबन वापस नहीं होता। सर पहले अटैक करेंगे, फिर उसके बाद सामने वाला बड़प्पन से चाय भी पिलाएगा, और फिर उसके बाद कहेंगे कि हम फिर भी अड़े रहेंगे। सर क्या लेजिटिमेट करना चाहते हैं माननीय सांसद चुने हुए? मुझे बोलने देंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए अगर गवर्नमेंट के पास नंबर्स है तो वॉइस वोट में क्यों गए? तो नॉर्मल वोटिंग में जाना चाहिए था। अगर उनके पास नंबर्स है तो वॉइस वोट में क्यों गए? वो जाना नहीं चाहिए था ना। आपको पता है ना, अगर मेरे पास नंबर है तो मैं बोलता आओ सामने आओ वोटिंग करो, क्यों है वोटिंग? तो इसमें किसका किसकी दाढ़ी में तिनका है आपको पता? तो सर विरोध दर्ज करवाते, विरोध दर्ज करवाते, वेल में खड़े रहते, वहीं पर बैठ जाते नीचे, तो अटैक कर देंगे चेयर को। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सुंदर जी, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या अटैक कर देंगे फिर चेयर को? अरे सर पहले भी किया है, इसमें क्या है? पहले भी किया, इसमें क्या है? खुद किया रोहित चहल, इसमें क्या है और पहले नहीं किया है? सर आज तक नहीं हुआ, आई एम सॉरी सर। आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? आज तक अपर हाउस में सदन पर चेयर पर इस तरीके से अटैक नहीं हुआ है सर, आप लेजिटिमेट कर रहे हैं? फिर आप गांधी के आदर्शों की बात करते हैं सर, वहां बैठ करके धरना दे रहे मैं बताऊं सर, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर, आप जाके देखिए। मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रप्शन अलग होता है, डिस्ट्रप्शन अलग होता है, कार्रवाई को बाधित करना अलग होता है, अटैक अलग होता है सर। वही चल सब्जेक्ट कुछ भी हो बीजेपी। देखिए सचिन जी, जिस तरीके से आज लोकतंत्र की हमने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कल जो हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर की गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अन्नदाता है उनका, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करती जा रही है, मोदी सरकार लगातार अन्नदाता को किस तरीके से उनकी आय देख सके। मैं आपको रोकता हूं क्योंकि क्या मैं ऐसे एक तो चोरी सीना जोरी ना हूं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद तो कह रहे हैं चाहे तो छोड़िए हम तो बहिष्कार करेंगे राज्यसभा का, और वो करने के लिए बाहर भी आ गए। एक बार मैं सुन लेता हूँ क्या कह रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। बिल पे क्लास टू क्लास कोई वोटिंग नहीं हुई, बिल पे रेजोल्यूशन जो थे उस पे कोई वोटिंग नहीं हुई, जो अमेंडमेंट्स थे अपोजिशन की तरफ से उन पे कोई वोटिंग नहीं। और मैंने कोट किया यहाँ अरुण जेटली जी को ही कि अगर कोई एमपी वोटिंग के वक्त डिवीजन मांगता है और अगर डिवीजन नहीं में दिया जाता है और बिल पास होता है, वो बिल जो पारित किया जाता है वो गैर कानूनी होता है। ये मैंने अरुण जेटली को यहाँ अभी कोट किया। मैंने हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोट किया कि कुछ साल पहले जब उत्तराखंड के अंदर स्पीकर ने डिवीजन अलाउ नहीं किया था तो हाई कोर्ट ने उसके साथ कहा था कि ठीक है डिवीजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है। मैं सब बात मान लेता हूं कि विपक्ष की, और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मोरल हाई ग्राउंड भी मिल जाता कि डिवीजन नहीं किया, वोटिंग नहीं करवाई, सब चीजें मान लेते हैं, लेकिन क्या आप चेयर पर हमला कर देंगे उसके बाद? अपनी बात पूरी कर लीजिए रोहित चहल, फिर उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। देखिए सचिन जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके लोकतंत्र की हत्या संसद के अंदर की गई कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा, और जिस तरीके से चोरी ऊपर से सीना चोरी, अभी गुलाम नबी आजाद जी देखिए मैं पहली बात पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं, एमएसपी था है रहेगा, मंडी है और रहेगी, दूसरा सरकारी खरीद थी रहेगी, एक बात। दूसरी बात देखिए, ये लगातार गुलाम नबी आजाद जी को मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है, 10 साल तक कुंडली मार के बैठे रहे स्वामीनाथन आयोग जी की कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार आई उनकी सिफारिश लागू की, स्वामीनाथन आयोग जी ने खुद उसकी तारीफ की, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने देखा कि विपक्ष लगातार किसानों को जो अन्नदाता है, मोदी सरकार मोदी जी चाहते हैं अन्नदाता की आय दुगनी हो 2022 तक, उसी को लेकर जो एमएसपी है उसको 1.5 गुना तक बढ़ाया गया है, और किसान कहीं ना कहीं खुश है। माहौल जिस तरीके से भ्रम फैलाने की स्थिति में, देखिए भ्रम फैलाने की स्थिति, अरे सुन लीजिए, छोटे किसान बेरोजगार हो जाएंगे।
सचिन, अरे कोई 10 सेकंड नहीं है, चुप कराइए। नो ट्रस्ट मोशन आपको नाम यहाँ पर, विवेक श्रीवास्तव, मैंने तो आपका टर्म से नाम लिया था, अब यहाँ पर क्यों सर, अब यहाँ पर क्यों चेयर पर हमला कर रहे हैं सर, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्यों चेयर पर हमला कर रहे हैं, मुझे क्यों डरा रहे हैं सर, मेरे पास तो मार्शल भी नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे पास तो मार्शल भी नहीं है, विवेक श्रीवास्तव जी मेरे पास तो मार्शल भी नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा है कि मैंने तो आपकी काम का नाम लिया था, इतने असहिष्णु क्यों हो रहे हैं? अरे सर आपने अगर अटैक करना था उसके बाद लेजिटिमेट करना था, फिर चाय भी नहीं पीनी थी, इतने असहिष्णु क्यों हो रहे हैं सर, इतने असहिष्णु क्यों हो रहे हैं, इतने इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं? रोहित चहल बात पूरी कर ले, काउंटर दे दीजिएगा आपको, तो सर आपको 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 नहीं फर्क पड़ेगा, गरीब किसान को फर्क पड़ेगा, इसलिए असहिष्णु होना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, रैलियां निकालनी पड़ेंगी, अगर सब कुछ वैसा का वैसा है तो बिल किस लिए लाए थे ये? तो चेयर को कूट देंगे सर, सारा देश गरीब नहीं तो मुझे बात बताइए ना, तो फिर चेयर चेयर पर अटैक कर देंगे, चेयर पर अटैक कर देंगे किसान के नाम पर, कागज फाड़ देंगे, रूल बुक फाड़ देंगे, थप्पड़ दिखाएंगे, खड़े होकर जो आज तक नहीं हुआ वो करेंगे सर, क्योंकि डिवीजन नहीं हुआ, नहीं किसान के नाम पर, ये सिखाता है आपको किसान, यानी गांधी जी ये सिखाते हैं, आप मुझे सिखा रहे हैं सर, मुझे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, नहीं अटैक तो करेंगे करेंगे सर, किस तरीके का अटैक करेंगे सर, सारी मर्यादा तोड़ी है, और यह चाय की नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है, ये यशवंत जी की चाय की नौटंकी चलने वाली नहीं है, नो ट्रस्ट मोशन हमारी डिमांड थी, नायडू जी ने उसको खारिज किया, क्यों खारिज किया, आज चाय लेकर के आयो, कल तुमने अपोजिशन को इज्जत नहीं दी, प्रॉपर तरीके से वोटिंग नहीं करवाई, बिल को बैकडोर से पास किया, ये झूठ और फ्रॉड जो है, जो अगर मार्शल अगर मार्शल नहीं आते तो पीट देते ना, नहीं अगर मार्शल नहीं आते ना सदन की गरिमा तो छोड़िए, तो अगर मार्शल नहीं आते हाथापाई कर देते ना, उतरेंगे अभी, अगर मार्शल नहीं आते तो हाथापाई कर देते ना, मतलब ये हुआ ना सर, धमकाने का भी सर, यशवंत जी ने सारी कोई हद होती धमकाने की, ये माननीय शहजाद जी ने सारी शहजाद इनको चुन करके भेजा है, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव अपर हाउस है सर, अपर हाउस कह रहे हैं तुम्हारे पास वोट है तो वोट, बगैर माननीय के काम नहीं चलता, अपर हाउस है सर, विवेक देखो गांधी जी देख रहे हैं, खत्म किया है, देखो गांधी जी देख रहे हैं श्रीवास्तव के साथ, विवेक जी माननीय बनो, महाराज को दिखाओ, अरे भाई गांधी जी नरेंद्र मोदी को दिखाओ, ये विवेक श्रीवास्तव मुझे मत दिखाओ, प्रज्ञा ठाकुर को दिखाओ, जिसको टिकट देकर के लोकसभा में लाते हमारी आवाज भी दर्शकों तक पहुंच रही है, मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश लगातार करता रहूंगा कि अपनी बात पहुंचाऊं, फर्क नहीं पड़ता, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, इंक्लूडिंग शहजाद, विवेक श्रीवास्तव, बालाकृष्णन, रोहित चहल, सबकी आवाज डाउन, विवेक श्रीवास्तव मैं आपको हर रोज समझाता हूं, आज बाकायदा ना मैं चिल्लाता हूं ना चिल्ला करके कोई डिबेट करता हूं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्ट से आपको बता रहा हूं, सदन की गरिमा नहीं है तो मेरे शो की गरिमा तो है, बगैर टर्म के बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, आपका नाम मैंने टीज किया था, आपके ऊपर आऊंगा, कोई और डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसको रोकूंगा, इसलिए कृपया करके इसकी गरिमा बनाए रखिए, मैं नहीं चाहता दोबारा आपकी आवाज डाउन करूं, इसलिए मैं शहजाद का कमेंट दे रहा था, शहजाद पूरा करेंगे, फिर रोहित चहल आएगा, आपको बोलना होगा, हाथ उठाइएगा, बीच में बोलेंगे मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, थैंक यू सर, शहजाद पूनावाला बोलिए, फिर रोहित चहल, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। देखिए एक है माननीय बनना और एक है अवमाननीय बनना, और वो भी किस लिए, क्योंकि कुछ कमीशन एजेंटों के हित को असर पड़ेगा अब ये जो नई व्यवस्था आ रही है उससे, तो ये कमीशन एजेंटों के कमीशन एजेंट और बिचौलियों को बचाना है, आज गांधी जी देख रहे हैं इस डिबेट को, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यवहार विवेक श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, किस तरीके से चीख रहे हैं, एक तरफ चाय परोसी जा रही है और दूसरी तरफ जहर और भ्रम परोसा जा रहा है, विवेक श्रीवास्तव जी आपके चाहे कितने भी गिला शिकवा हो, अगर आपको लगता है ये किसान विरोधी भी है, कल MSP बढ़ाई गई है, इसके अलावा भी बताया गया है कि मंडी का सिस्टम बाकी सिस्टम जारी है, आज गांधी की मूर्ति के बाद गुलाम नबी आजाद समेत इस वक्त तस्वीर पता है क्या आ रही है, गांधी जी की मूर्ति के बाहर गुलाम नबी आजाद समेत तमाम वो सांसद और बाकी कांग्रेस के सांसद खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं, मुंह पर उन्होंने पट्टी का वक्त नहीं मास्क का वक्त है, मुंह पर उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, हाथ जोड़ करके विरोध कर रहे हैं, ये कल कर लेते ना भाई, किसने मना किया था, लोकतंत्र में अधिकार है, आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, सदन के नियमों का पालन नहीं हुआ, कल कर लेते, कल आप अटैक करने पर आ गए थे या फिर खींच कुछ और थी, क्योंकि आपके हाथ से चाबी जा रही थी कहीं ना कहीं बिचौलियों की, बिचौलियों का साथ छूट रहा था, 20 सेकंड फिर रोहित चहल। बिल्कुल सच जी सचिन, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लोकतंत्र के मंदिर में जहां पर गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के उसूलों का पालन होना चाहिए, वहां पर गांधी के नाम पर राजनीति
करने वाली और राजनीतिक रोटियां सेकने वाली वैसे तो फेक गांधी है, पर ये फेक गांधी ही सही, इनकी पार्टी ने जिस तरीके से गांधी के उसूलों की हत्या की, मुझे लगता है ऐसे संसद में कभी नहीं हुआ है, और खासकर राज्यसभा, राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। चलिए लोकसभा में तो हमने कई बार कुछ ऐसे दृश्य देखे हैं जो हमें बहुत नाराज करते हैं, पर राज्यसभा में कभी नहीं हुआ, और ये आज राज्यसभा की गरिमा को गिराने के लिए ये गांधी परिवार और ये लोग जिम्मेदार है। बिल्कुल रोहित चैर, अपनी बात पूरी कीजिए 30 सेकंड, फिर उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष इस तरीके की भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार देश के अंदर कर रहा है। आपको लगा देश को जलाने की कोशिश विपक्ष ने की है 2018 में SC ST एक्ट के नाम पे, जब कहा गया कि आरक्षण खत्म हो गया, आरक्षण था, है और रहेगा। मैं फिर विपक्ष को बता दूं, 2019 के अंदर इन्होंने CAA पे कहा कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो गई, बल्कि CAA नागरिकता देने के लिए था, ना कि नागरिकता खत्म करने के लिए। दूसरी बात, अब 2020 आया तो 2020 के अंदर कहा कि MSP खत्म हो गया, MSP था, है और रहेगा। मैं आपको इनको फिर बता दूं, तो देश को जलाने का प्रयास लगातार जो विपक्षी पार्टी कर रही है। अरे संजय सिंह जी, मैं 10 सेकंड और लूंगा, ये संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के नेता उछल उछल के अर्बन नक्सली जिहादी संजय सिंह जो वहां पर खड़े होकर वेल के अंदर घुस के गुंडागर्दी कर रहे थे, जो गुंडे वो दिल्ली के अंदर बताए ना, किसानों को किसान नहीं मानते। सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली के अंदर कोई कृषि मंत्री नहीं है, दिल्ली के किसान कोई ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, दिल्ली का किसान कोई ट्रैक्टर अपने नाम पे नहीं खरीद सकता, दिल्ली के सर जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं करूं पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाता या कह देता कि नहीं ठीक है, विपक्षी आवाज है, विपक्ष की आवाज के बिना तो सदन नहीं होता ना सर। लेकिन ये क्या व्यवहार अशोभनीय नहीं था, इस पर शर्मिंदगी नहीं? आम आदमी को शर्मिंदगी है तो क्या माननीय को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए थी? विवेक श्रीवास्तव, शर्मिंदगी नहीं है? अब इनको जरा चुप कराइए, पहले फीडर डाउन करने का आपको बड़ा शौक है तो रोहित चैन को चुप कराइए। अब आप सुनिए, पहली बात, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। यशवंत जी का बिहेवियर अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वॉइस वोट करवाया, नंबर अगर आपके फेवर में थे वोटिंग करवाते, ऑपोजिशन को ताक पे रखा, हमारी बात सुनी नहीं गई। कुछ भी अनडेमोक्रेटिक नहीं हुआ है, जो हुआ है सही हुआ है। उसके बाद यशवंत जी के खिलाफ हमने नो ट्रस्ट मोशन को लाने की कोशिश की, नायडू जी ने हमें परमिशन नहीं दी। रूल बुक अनडेमोक्रेटिक नहीं था, रूल बुक फटी नहीं थी सर? नहीं नहीं, आप सुनिए दोबारा दिखाऊं? नो सर, टेबल पर चढ़ना अनडेमोक्रेटिक नहीं था, टर्न ऑन पर्पस, टेबल पर चढ़ना अनडेमोक्रेटिक नहीं था। खड़े होकर के मार्शल अगर ना पकड़ते तो वो जो इशारा थप्पड़ की तरह जा रहा है, उस भाषा तक का इस्तेमाल हम चेयर के लिए नहीं कर सकते, चेयर की तरफ ऐसा इशारा करना कि ये अनडेमोक्रेटिक नहीं था। अब आप मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक, फासीवाद आ चुका है और पार्लियामेंट के अंदर फासीवाद आ चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो पहले फॉलो होती थी आज फॉलो नहीं हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी भी जिस तरह से गांधी जी देख रहे हैं, माफी मांग लो, चरण पे आ जाओ, गांधी जी के चरणों में आ जाओ, विवेक श्रीवास्तव। मुझे ऐसा लगता था कि सुबह की जो तस्वीर आएगी ना कहीं थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी, आपको भी शर्मिंदगी होगी, बाकियों को भी शर्मिंदगी होगी, पर मुझे नहीं लगता जो लोकतंत्र में अपर हाउस में इन चीजों को, इन तस्वीरों को भी लेजिटिमेट करने की, विवेक श्रीवास्तव, संदीप बालकृष्णन, अगर आप कोशिश करते रहें कि नहीं ये तस्वीरें ठीक है, यहां पर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसे ही होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि किस लोकतांत्रिक परंपरा की आप दुहाई देते हैं, या फिर गांधी जी की मूर्ति के आगे खड़े होकर के आप प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।